गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज क्लास में? आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। हम ऑर्डिनल नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? हम ऑर्डिनल नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। आप सबने किसी ना किसी रेस में पार्टिसिपेट किया होगा। रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, विनर्स होते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है, कोई फिफ्थ आता है। वो पोजीशंस हम किस में लिखते हैं? वो पोजीशंस हम लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर्स में। ऑर्डिनल नंबर्स में समझने के लिए अभी हम यहाँ पर एक रेस का एग्जांपल लेंगे जिसमें कि 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। रेस में हमेशा एक क्या होगी, एक होगी फिनिश लाइन। क्या होगी एक होगी फिनिश लाइन, जहां पर रेस क्या होती है, फिनिश हो जाती है। FINISH, फिनिश। इस लाइन पर रेस हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। फिनिश लाइन होती है ये हमारी। और फिनिश लाइन से पहले क्या बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक कौन सी जगह होती है, जहां पर कि पार्टिसिपेंट्स जो कि रेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो रन करते हैं। पार्टिसिपेंट्स रन ऑन ट्रैक्स, दीज आर आवर ट्रैक्स। एंड हाउ मेनी प्लेयर्स वी हैव, वी हैव 5 प्लेयर्स। सपोज दिस इज आवर ट्रैक 1 एंड प्लेयर 1, सेकंड प्लेयर इज हियर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, फिफ्थ प्लेयर। अब फर्स्ट नंबर 1 कौन आता है? नंबर 1 वो प्लेयर आता है जो सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है। इसमें नंबर 1 कौन पहुंचेगा? दिस प्लेयर विल बी रीचिंग द फिनिश लाइन एट नंबर 1, दिस वन एट नंबर 2, फॉलोड बाय दिस वन। इट विल कम एट 4 नंबर एंड दिस वन एट 5। जिस जिस नंबर पर प्लेयर्स पहुंचे होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या होगी, पोजीशंस होंगी। ये प्लेयर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसकी पोजीशन क्या होगी, फोर्थ, इसकी पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ। हमने क्या देखा, जिस ऑर्डर में वो पहुंचे फिनिश लाइन पर उसी ऑर्डर में उनकी पोजीशन है। किस ऑर्डर में पहुंचे, 1 2 3, तो पोजीशंस भी कैसे हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर। इसके अलावा हम और कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे पास शेल्फ है, एक शेल्फ है जिसमें हमने बुक्स रखे हैं। वी हैव अ शेल्फ, एक शेल्फ है हमारे पास जिसमें हमने क्या रखी है, बुक्स रखी हैं। शेल्फ 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शेल्फ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें 10 बुक्स रखनी है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 बुक्स रखनी है, 10 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पर हमने रखा मैथ्स, मैथ्स, देन इंग्लिश, आफ्टर दैट ईवीएस, देन हिंदी, हिंदी, मोरल्स, मोरल्स इज एट नंबर 5, देन जीके, देन जीके, आफ्टर जीके हमने क्या रखा, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स,
आफ्टर दैट ड्रॉइंग ड्रॉइंग देन आफ्टर दैट कॉमिक्स. कौन सी बुक? कॉमिक्स बुक बहुत पसंद है बच्चों को, कार्टून बुक्स. देन हमने 9 नंबर पर रखा कॉमिक्स. एट टेन वी विल पुट एसएस. वन मोर बुक एसएस. 10 नंबर पे हमने बुक रखी जिसका नाम है एसएस. अब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर में प्लेस्ड है. ये क्या है? बुक्स एक ऑर्डर में रखी हैं. ऑर्डर मींस एक सीक्वेंस में रखी हैं. और अगर हमें बताना पड़े कैसे रखी हैं तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इट इज मैथ्स, सेकंड इज इंग्लिश, थर्ड इज ईवीएस, फोर्थ इज हिंदी, फिफ्थ इज मोरल्स, सिक्स्थ इज जीके, सेवेंथ इज कंप्यूटर्स, एट्थ इज ड्राइंग, नाइन्थ इज कॉमिक्स एंड टेंथ इज एसएस. सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन इन एन ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में ऑर्डर मीन सीक्वेंस में किसी भी सीक्वेंस में पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स. न्यू टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स. काउंटिंग सबको आती है. ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे आज हम. 1, 2, 10 1, 2, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने काउंटिंग लिखी. आफ्टर दैट वी विल राइट नंबर नेम्स. व्हाट वी विल राइट? नेम्स. नंबर नेम्स. नंबर नेम्स. ओ एन ई 1, टी डब्ल्यू ओ 2, टी एच आर डबल ई 3, एफ ओ यू आर 4, एफ आई वी ई 5, एस आई एक्स, एस ई वी ई एन 7, ई आई जी एच टी 8, एन आई एन ई 9 एंड टी ई एन 10. नाउ वी विल सी द ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स 1, जो 1 नंबर पर आता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट. दैट इज पोजीशन फर्स्ट. पोजीशन ऑफ 2 इज ऑलवेज सेकंड. एस ई सी ओ एन डी सेकंड. पोजीशन ऑफ 3 इज थर्ड. टी एच आई आर डी थर्ड. पोजीशन ऑफ 4 इज फोर्थ. एफ ओ यू आर टी एच फोर्थ. पोजीशन ऑफ 5 इज फिफ्थ. एफ आई एफ टी एच फिफ्थ. पोजीशन ऑफ 7 इज पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ 6. पोजीशन ऑफ 6 कैसे लिखेंगे? एस आई एक्स टी एच. पोजीशन ऑफ 6 विल बी SIXTH. पोजिशन ऑफ 6 विल बी SIXTH. 6 इज रिटन हियर, TH पुट अप करेंगे सिर्फ. बहुत आसान स्पेलिंग है SIXTH. सिमिलरली 7th, SEVEN 7, TH 7th, EIGHT 8, H 8, 9th, N-I-N-T-H, 9th, T-E-N-T-H, 10th. In this way, we will write the ordinal numbers. These are the positions. Questions कैसे आते हैं? इसमें आपको questions कैसे मिलेंगे? Questions will be like this. Number 1, questions कैसे मिलते हैं आपको?
मंडे इज डैश डे ऑफ द वीक. You read or study in dash class. TENTH, 10th month of the year is dash. 10th month of the year is dash. These are our questions. Questions हमें ऐसे मिलेंगे. तो हम कैसे करेंगे? Monday is first day of the week. Because Monday से start होता है week. Monday कौन से number पर आता है? 1 number पर. इसीलिए Monday is first day of the week. Similarly, you read or study in कौन सी class में आप? First class. FIRST. First class. 10th month of the year. 10th month कौन सा होता है year का? Month सबको आता है. Count करेंगे. 10 number पर है. October. 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 October is 10th month of the year. ऐसे हम लिखेंगे. Question और कैसे हो सकता है? Write the ordinal numbers. From 1 to 10, अगर आपको 1 to 10 ordinal numbers लिखने हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. आप ऐसे लिखेंगे. और fill in the blanks में आएगा, तो ऐसे आएगा. एक और तरीके से questions आते हैं. एक और तरीके से हमारे पास questions आते हैं. कैसे? Match the column. अगर match the column में अगर question आएगा, तो कैसे करेंगे उसको? Suppose, one side पर आपको दिए होंगे numbers, digits दिए होंगे. आपको उन्हें match करना होगा उनके ordinal numbers से. Suppose, ऐसे लिखा है. 1, 5, 3, 2, 8, 9, 10, 6, 7 and 4. हमें क्या करना है? मैच करना है. तो क्या है? 1 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट. तो हम मैच करेंगे. देन 4 का क्या है? फोर्थ. 7 इज 7th. 6 इज 6th. 10 is 10th. 9 is 9th. 8 is 8th. 2 is 2nd. 3 is 3rd. 5 is 5th. Completed. ऐसे हम हमारे ordinal numbers को match कर देंगे. इस तरह से questions paper में आएंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या होता है? रोमन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि एंशिएंट मींस पुराने रोम के समय में लोग यूज करते थे. उसको हम क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल सिस्टम. क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल सिस्टम. जैसे हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडिया में जो सिस्टम यूज करते हैं वो क्या है? इंडियन सिस्टम. वैसे ही पहले रोम के लोग, पुराने रोम के लोग क्या यूज करते थे? रोमन न्यूमरल सिस्टम. तो वो कैसे नंबर्स को लिखते थे? आज हम वो पढ़ेंगे. वो कैसे नंबर्स को लिखते थे? स्टार्टिंग में नंबर्स कैसे लिखे जाते थे? आज हम वो पढ़ेंगे. रोमन न्यूमरल सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं. अभी हम क्या पढ़ते हैं? डिजिट्स. लेकिन पहले जो रोम के लोग थे वो क्या यूज करते थे? इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते थे. और रोमन न्यूमरल सिस्टम में कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल 7 इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज होते हैं. 7 इंग्लिश अल्फाबेट्स.
इंग्लिश अल्फाबेट्स। कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो अल्फाबेट्स हैं आई वी एक्स सी डी एल एम। ये अल्फाबेट्स हम यूज करते थे। रोमन नंबर सिस्टम में क्या क्या यूज होता था? आई वी एक्स सी डी एल एम। इन अल्फाबेट्स को यूज करके वो सभी नंबर्स को लिखते थे। अब कैसे लिखते थे वो सीखेंगे। सबसे पहले हमें काउंटिंग लिखनी है 1 to 10। 10 तक आज हम रोमन नंबर्स को सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे हमारे कुछ रूल्स हैं, वैसे ही उनके भी रोमन नंबर्स को लिखने के रूल्स थे। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे हम पढ़ लेंगे कौन कौन से रूल्स हैं। अगर हमें 1 लिखना है तो उन्होंने 1 कैसे लिखा था? उन्होंने 1 लिखा था आई से। अगर आई लिखा है तो आई का मीनिंग क्या है? आई रिप्रेजेंट्स 1। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। 2 लिखना है तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स आई लिख देंगे। 1 + 1 = 2। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। 1 + 1 = 2, इसीलिए 2 टाइम्स आई लिख देंगे। 3 लिखना है तो क्या करेंगे? 1 + 1 + 1 = 3। तो 1 कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं आई, तो 3 टाइम्स आई लिख देंगे। आई आई एंड आई, 3 टाइम्स आई लिख दिया तो 3। 4 लिखना है तो क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि 4 टाइम्स आई लिख देते हैं। नहीं, उनका रूल क्या था कि कोई भी अल्फाबेट जो वहां अल्फाबेट लिखे हैं, कोई भी अल्फाबेट जब आप ऐसे लिखोगे तो मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हो। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा लिख नहीं सकते। तो हम 4 टाइम्स आई तो लिख नहीं सकते, उन्होंने मना कर दिया। तो दूसरा क्या अल्फाबेट यूज किया उन्होंने? 5 उन्होंने कैसे लिखा? 5 अल्फाबेट लिखने के लिए उन्होंने क्या किया? 5 लिखने के लिए उन्होंने यूज किया वी। 5 लिखने के लिए उन्होंने क्या यूज किया? वी। तो 4 कैसे लिखेंगे? 4 को लिखा उन्होंने आई वी। वी से अगर पहले बिफोर में आई लिखा है तो वो क्या होगा? 4। सिमिलरली अगर वी के बाद आई लिखा है तो वो क्या होगा? 6। अगर वी से पहले लिखा है तो वो क्या होगा? 5 - 1। और 5 - 1 क्या होता है? 5 - 1 होता है 4। और अगर वी के बाद लिखा है तो वो क्या होगा? 5 + 1। ये उनका रूल था। अगर पहले लिखोगे तो माइनस होगा और बाद में लिखोगे तो प्लस होगा। ये भी उनका रूल था। ऐसे ही 7 लिखने के लिए क्या करेंगे? 5 + 2। 5 + 2 क्या होगा? 7। 5 + 2 7। 5 हमें पता है कैसे लिखते हैं। 5 क्या है? V। तो हमने लिखा V V। और 2 कैसे लिखते हैं? 2 लिखते हैं 2 टाइम्स I, तो I I। ये हमारा क्या है? 7। 8 कैसे लिखते हैं? 5 + 3। 5 + 3 ये क्या होगा? 8। 5 कैसे लिखते हैं? V। और 3 लिखने के लिए 3 टाइम्स I। अब 9 कैसे लिखेंगे? 9 कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे और 5 के बाद 4 लिख देंगे? नहीं, उन्होंने एक रूल और बनाया जिसमें वो कहते हैं कि हम कभी भी अल्फाबेट वी को रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी नंबर लिखने के लिए वी को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। वी 2 बार नहीं लिख सकते तो हम 5 + 4 नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने
टेन को रिप्रेजेंट किया पहले, टेन को किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। एक्स का मतलब क्या है, टेन। एक्स का मतलब क्या होगा, टेन। उन्होंने लिख दिया एक्स। जैसे वी का मतलब था फाइव, वैसे ही एक्स का मतलब क्या होगा, टेन। जैसे एक्स टेन है, एक्स से पहले अगर हम आई लिखेंगे तो वो क्या होगा, नाइन। उन्होंने क्या बोला था, अगर वैल्यू पहले लिखी होगी तो वो क्या होगी, माइनस होगी। टेन माइनस वन इज नाइन, टेन माइनस वन इज नाइन। आप सबको ये रोमन नंबर्स 1 to 10 लर्न करने हैं, लिखने हैं, एंड आफ्टर दैट और कौन से तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेम जैसे अभी हमने देखा था ऑर्डिनल नंबर्स में, सेम वैसे ही क्वेश्चंस यहां आएंगे। यू आर डैश ईयर ओल्ड, यू हैव डैश फैमिली मेंबर्स, और कैसे आ सकते हैं, मैच द कॉलम में, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम कैसे आएगा, 1 5 10 9 4, और दूसरी साइड क्या लिखा होगा, दूसरी साइड लिखे होंगे आपके रोमन नंबर्स 5 1, आपको उन्हें क्या करना होगा, मैच करना होगा। अब देखो, यू आर डैश ईयर ओल्ड, अगर आप 6 ईयर ओल्ड हैं तो 6 कैसे लिखते हैं रोमन में, 5 i, तो आप कैसे लिखेंगे, You are 6 year olds. You have dash family members. मेरी फैमिली में 4 members हैं, तो 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, वी आई। यू हैव 4 फैमिली members. अब 1 लिखा है, 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो मैच कर देंगे। 5 v, 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, मैच करेंगे। 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड 4 बाय दिस। इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं रोमन नंबर्स के। हम अब रोमन नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स लर्न करेंगे।